दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पूजा बेदी की बेटी आलिया फर्नीचर वाला अभिनेता सैफ अली खान के साथ फिल्म जवानी जाने मन से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही है। फिल्म के ट्रेलर के साथ ही गाने भी दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं। वहीं सैफ के साथ ही आलिया भी सभी को तारीफें बटोर रही है। इसी बीच आलिया का एक बयान सुर्खियों में आ गया है। दरअसल आलिया का हाल फिलहाल में फिल्म जवानी जाने मन का प्रमोशन कर रही है। ऐसे ही एक इंटरव्यू के दौरान आलिया से कार्तिक आर्यन को लेकर सवाल पूछा गया। न सिर्फ सवाल बल्कि आलिया का जवाब भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आलिया से जूम टीवी के इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि अगर वह सुबह सोकर उठे और उन्हें बेड पर कार्तिक आर्यन दिखे तो क्या करेगी। इस पर आलिया ने कहा, कुछ नहीं करूंगी, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। हालांकि जवाब देने के बाद आलिया तुरंत रुक गई और हंसते हुए कहने लगी, नहीं मेरा मतलब कुछ और था। वहीं इसके अलावा ईश्वर बॉय को एक दूसरे इंटरव्यू के आलिया फर्नीचर वाला ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर खुलासा किया है। इस दौरान अपनी मां की दूसरी शादी को लेकर आलिया ने कहा कि पूजा बेदी ज्यादातर अपना समय गोवा में बिताती है। वह जल्दी मानेक कंटेस्टर से शादी करने वाली है। आलिया ने बताया कि मानेक बहुत अच्छे इंसान है, वो उनका भाई उन्हें काफी पसंद करते हैं। पूजा बेदी ने साल 1994 में फरहान फर्नीचर वाले से शादी की थी, लेकिन किन्हीं वजहों से दोनों का रिश्ता टिक नहीं पाया। साल 2003 में इनका तलाक हो गया था। पूजा ने अकेले ही आलिया की बेहतर परवरिश की है।